भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी सरकार ने चुनाव की तारीखों के ऐलान से रोका मतलब। आपकी हिम्मत नहीं है चुनाव लड़ने की, 56 इंच का सीना लेके प्रधानमंत्री जी चुनाव छोड़ के भाग गए। जनता जो तय करेगी वो जीतेगा, नहीं करेगी वो नहीं करेगा, मगर 6 महीने के बाद जिन लोगों को डर लग रहा है। ये हिंदुस्तान की सबसे बुद्धिहीन सरकार है। नरेंद्र मोदी जी पंजाब गए सर प्रचार करने, 73 सीटों पे लड़े हैं, 54 सीटों पे वहां इनकी जमानत जब्त हुई, बहुत इससे भी ज्यादा गई है हमारी जमानत, कोई नई बात नहीं। ये बिल आपके भगोड़ेपन की कहानी लिखेगा, ये बिल आपके संविधान को कुचलने की कहानी लिखेगा। ऐसे करोगे तो फिर कोई बोल नहीं पाओगे, इतना कमजोर मत समझना, इतना कमजोर मत समझना। और क्योंकि ये दिल्ली से जुड़ा हुआ बिल है तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि मेरे ऊपर थोड़ी कृपा आपकी होगी, मैं अपनी बात विस्तार से रखना चाहता हूं। माननीय, मैंने आज गृह मंत्री जी से समय सीमित है, कारण तो समय सुना, के अंदर बोले कारण सुना कि क्यों एमसीडी का एकीकरण जरूरी है। उन्होंने उसके तमाम फायदे गिनाए, लेकिन इसके साथ साथ ये सरकार ये कहना चाहती है माननीय कि ये हिंदुस्तान की सबसे बुद्धिहीन सरकार है। 7 वर्षों तक ये सत्ता में रहे, इनको एमसीडी के एकीकरण का ज्ञान नहीं आया। 15 साल भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में रही, भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया, तब एकीकरण का ज्ञान नहीं आया। बुद्धिहीन फॉर द गवर्नमेंट, दीज आर सर्टनली नॉट एक्सेप्टेबल। गवर्नमेंट के लिए बुद्धिहीन शब्द को हटाया जाए, बुद्धिहीन सरकार अनपार्लियामेंट्री है, इसको रिकॉर्ड से हटाया जाए। If anything unparliamentary, it will be expunged from the record. Please. 7 साल के बाद इस सरकार को दिन में अचानक सपना आया। उस दिन माननीय 9 मार्च की तारीख थी, चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन के लिए करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। उसी के ठीक पहले इनको सपने में आया कि एमसीडी का एकीकरण करना है, एमसीडी को एक करना है, और इन्होंने चिट्ठी भेज के चुनाव आयोग जैसी संस्था की निष्पक्षता को खत्म करने का काम किया है। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी सरकार ने चुनाव की तारीखों के ऐलान से रोका है। मानवर ये बिल एमसीडी के एकीकरण का बिल नहीं है, मानवर ये बिल केजरीवाल फोबिया बिल है। अरविंद केजरीवाल से आपको डर लगता है, आपकी हिम्मत नहीं है चुनाव लड़ने की, 56 इंच का सीना लेके प्रधानमंत्री जी चुनाव छोड़ के भाग गए। केजरीवाल को रोकने के लिए कह रहे हमें एमसीडी चलानी है, एमसीडी चलानी है। संजय सिंह मैं अरे क्या क्या बोला गया सर? नहीं नहीं, डोंट गो इन द पर्सनल, क्या क्या बोला गया? मैं आ रहा हूं मुद्दे पे आ रहा हूं सर। मानवर ये केजरीवाल फोबिया बिल है, केजरीवाल से इनको डर लगता है, रात के सपने में इनको केजरीवाल आते हैं, चुनाव हारने की गाथा बता रहे थे। गृह मंत्री जी बहुत ध्यान से सुनिएगा, और मैं ऐसा मानता हूं कि वो लोग राजनीति में कायर होते हैं जिनके अंदर सच सुनने का साहस नहीं होता। आपने बहुत अच्छा किया बताया उत्तर प्रदेश में हमारी जमानतें जब्त हुई, बहुत अच्छा किया बताया आपने कि गोवा में हमारी जमानत जब्त हुई, उत्तराखंड में हुई। मैं सोच रहा था 51 से निकालूंगा तो आप ज्यादा शर्मिंदा हो जाएंगे, लेकिन मैंने कहा बात से ही शुरू करते हैं, शुरू कर रहे हो सर। ये 80 में चुनाव में लड़े तमिलनाडु में 0 सीट आई, 84 में लड़े 0 सीट आई, 89 में लड़े 0 सीट आई, 91 में लड़े 0 सीट आई, 96 में लड़े 1 सीट आई, 2001 में लड़े 4 सीट आई, 2006 में लड़े 0 आई, फिर 2011 में लड़े 0 आई, 2016 में लड़े 0 आई, 41 साल 42 साल टू डू विद द बिल। आप बिल पे कितना बोला इन लोगों ने,
यहां पे जमानत जब्त की कहानी सुना के बंद करूंगा। साहस रखिए, साहस रखिए। केरल, केरल में 82 में 0, 87 में 0, 91 में 0, 96 में 0, 2001 में 0, 2006 में 0, 2011 में 0, 2016 में 0। आपका टाइम खत्म हो चुका है, आपका टाइम इतना ही है और आपका टाइम खत्म हो चुका है। सर ये गलत, फिर भी आप बोले रहे, गलत तरीका है। और एक ही बात को दिल्ली के बिल पे बोले। यहाँ ये बताया गया कितने सीटों पे जमानतें जब्त हुई। सर सर उत्तर प्रदेश सुन लीजिए, सर उत्तर प्रदेश सुन लीजिए, 2012 में 10 साल पहले तो ये बिल है बाकी तो दो उत्तर प्रदेश। गृह मंत्री जी, हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में आपकी पार्टी का जमानत जब्त कराने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। इतिहास पलटिए, इतिहास पलटिए और जानिए। और मैं आपको बताता हूं, परम प्रतापी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पंजाब गए सर प्रचार करने, 73 सीटों पे लड़े हैं लोग, 54 सीटों पे वहां इनकी जमानत जब्त हुई। अब एमसीडी बिल पे आता हूं, एमसीडी बिल पे आता हूं। सर आप खत्म, इन्होंने कहा कंक्लूड कीजिए। सौतेली मां, ये गृहमंत्री का शब्द है सर, गृहमंत्री के शब्दों का जवाब नहीं दूंगा सर। सौतेली मां उन्होंने कहा, सौतेली मां कीजिए, सौतेली मां कौन है? आप दूसरे बात बोले जाओ, सौतेली मां कौन है सुनो जरा ध्यान से। 2014-15 में दिल्ली को मिला 325 करोड़, 2015-16 में 325 करोड़, 2016-17 में 325 करोड़, 2017-18 में 325 करोड़, 2018-19 में 325 करोड़, 2019-20 में 325 करोड़। सर जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, लाखों करोड़ रुपए का टैक्स दिल्ली की जनता देती है, मात्र 325 करोड़ रुपए आप हर साल देते हैं। और हमने एमसीडी को कितना दिया माननीय गृह मंत्री जी, जरा 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा। एमसीडी को सर आप वाइंड अप कीजिए, सर टाइम खत्म। आप देखिए मुद्दे पे बोल, आप कहिए तो नहीं, मुद्दे का क्वेश्चन है, आप कहिए तो नहीं बोलते, टाइम कंस्ट्रेंट है, आप तो नहीं बोलते। दिल्ली से जुड़ा हुआ मुद्दा, ये मुद्दा भी नहीं सुनने, एमसीडी का मुद्दा तो वो सुनने दीजिए सर। आखिरी एक मिनट आपको दे रहा हूं, आखिरी एक मिनट। ऐसे करोगे तो फिर कोई बोल नहीं पाओगे, इतना कमजोर मत समझना, इतना कमजोर मत समझना। एक आदमी नहीं बोल पाओगे, एक आदमी सदन चलने नहीं पाएगा। ठीक बात, कायरता वाले काम मत करो, नहीं कायरता के काम मत करो। तो सर ये मैं ये कहना चाहता हूँ, 30% एक्सपांस किया जाए, दिल्ली ने दिया इसको एक्सपांस किया जाए, जो थ्रेटनिंग वर्ड्स है इसको एक्सपांस किया। सर खत्म कर रहा हूं सर, हमने इनको 2016-17 में 2700 करोड़ दिया, 2017-18 में 3224 करोड़ दिया, 2018-19 में 3444 करोड़ दिया, 2019-20 में 4756 करोड़ दिया, और इस बार इनको 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा धन इनको दिया। थैंक यू एमसीडी। अरे सर अब हो गया, अब हो गया सर, ऐसे नहीं खत्म कर, नहीं ऐसा नहीं है, कंक्लूड कर लो सर। मैं आपको 5 मिनट पहले मैंने खत्म कर रहा हूं, आपका टाइम खत्म हो चुका है, अब सर कंक्लूड कर रहा हूं, नहीं सर कंक्लूड कर रहा हूं, अंतिम पॉइंट खत्म कर रहा हूं सर, हरिए खत्म कर रहा हूं सर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आपको चुनाव नहीं लड़ना है, चुनाव से भागना है, तो इस बिल का नाम मैं फिर आपको सजेस्ट कर रहा हूं, केजरीवाल फोबिया बिल रख दीजिए। और अंत में हो गया, अंत में एक लाइन के खत्म करूंगा सर, खत्म कर रहा हूं श्री राम जी, ये बिल आपके कायरता, खत्म कर रहा हूं सर, खत्म कर रहा हूं बिल्कुल, ये बिल खत्म हो चुका है, आपके कायरता की कहानी लिखेगा, ये बिल आपके भगोड़ेपन की कहानी लिखेगा, ये बिल आपके संविधान को कुचलने की कहानी लिखेगा, ये बिल आपके द्वारा चुनाव आयोग को समाप्त करने की कहानी आओ लिखेगा। आगे जाए। और आप बोले आओ सर रखिए, दिल्ली को भ्रष्टाचार का केंद्र बनाया, आप बैठ जाए, आप बोलिए। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन हलचल न्यूज।